कर टॉप ऑफ शनि मेल मैरिज को दर्शाएगा विथ कंफ्यूजन एंड इश्यूज एक स्मूथ नहीं होगी बट मेल मैरिज दिखाएगा बट स्मूथ फ्लो ऑफ मेल मैरिज नहीं है क्योंकि केतु के साथ शुक्र मेटलिस्टिक प्लेजर नहीं है डिसंटरेस्ट है डिटेस्ट है मेटलिस्टिक प्रेजर नहीं है ये और शुक्र मेटलिस्टिक प्रेजर है तो ये मेल मैरिज दर्शाएगा विद बट विद ऑब्स्ट्रक्शन कंफ्यूजन केतु मंगल ये कर्म बंधन है केतु मंगल इज ए स्ट्रॉन्ग बंधन फीमेल की कुंडली के अंदर शनि का टॉपअप మే శనిగటబ ఫీమేల్ కి బరిష్ దశాహేగా బట్ విత్ విత్ గ్యాప్స్ లేకిన్ యాపే అపవాద్ రహేగా గ్యాప్ రహేంగే అబ్స్ట్రాక్షన్స్ రహేంగే ఇష్యూస్ రహేంగే కేతు కే సాత్ గురు సూర్య శుక్ర యే ప్రోజనీ మే ఇష్యూస్ దికాయేగా बैटर्स को केतु के, के साथ दिक्कतें दिशाएगा लेकिन इट्स अ टाइम फॉर मेल बर्थ अब मेल बर्थ इन अदरवाइज आल्सो जो द एज पर मेडिकल साइंस इट्स बिन लिटिल टफर देन द फीमेल बर्थ टाइम वेन केतु जिसकी चार पे केतु गुरु शुक्र सूर्य है ऐसे के अंदर ड्यूरिंग द प्रेग्नेसी वार्म में हलचल ज्यादा होती है सेंसेशन वार्म में ज्यादा होती है शनि का गोचर टॉपअप होता है तो ये चीजों को बढ़ा देगा ढाई साल का गोचर है ढाई साल के अंदर तो पूरी एक्टिविटी हो जाएगी ढाई साल में तो पूरी एक्टिविटी हो जाएगी Delivery this, during this time is to be taken proper care with modern and traditional approaches, mix of the modern and traditional approaches pathology. Matlab, ex, traditional experience of oh, modern equipment oh, to come out of trouble free issues. Otherwise, it's a time of troubled child birth. ये वो टाइम होता है जब जब बच्चा पैदा होता है उसको जन्म से ही कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ब्रीथिंग इश्यूज आ जाते हैं कुछ ब्लॉकिंग हो जाती है कुछ ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो जीवन भर साथ चलाने पड़ते हैं ये वो टाइम होते हैं शनि केतु शनि केतु आमतौर पे प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं है इट्स नॉट एन एक्टिव प्रोग्रेसिव स्टेट डू नॉट हेल्प इन एक्टिव प्रोग्रेसिव स्टेट इसको एक्टिव प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना पड़ेगा अगर नहीं बनाएंगे तो जीवन में कष्ट रहेंगे और बहुत कष्ट रहते हैं शनि केतु एक अपवाद अगर डीवन चार्ट में बना हुआ है या ट्रांसिट में आ जाता है तो ये तकलीफ देगा हमारे को अपने कार्य में प्रोग्रेशन में प्रोफेशन में दिक्कत देगा सब केतु की एक्टिविटी करें बनाने के लिए सर। प्रोग्रेसिव बनाने केतु करें शनि केतु शुक्र शुक्र बार बार वास्तु के से क्यों जोड़ रहा हूं क्योंकि शुक्र घर का कारक है घर शुक्र को रिलेट सीधा सीधा करता है ऐसे में इंसान अगर घर बदलता है शिफ्टिंग करता है तो केतु मतलब गणपति देवा या शिव टेम्पल या कोई आ, जहां पे हम अंतिम संस्कार करते हैं क्या जगह कहलाती है वो शमशान घाट शमशान घाट हॉस्पिटल लीगल लीगल कोर्ट ये नियर बाई दिखाता है केतु वाला घर के आसपास ये चीजें दिखती हैं गणपति टेम्पल शिवा टेम्पल शमशान घाट हॉस्पिटल लीगल अफेयर्स कोई कोर्ट कचहरी ये चीजें दिखाई देती हैं तो इसलिए इस समय में अगर ट्रांसिट में है तो आइडियल नहीं है अगर ट्रांसिट में नहीं है तो शनि के गोचर में नहीं करें करना ही पड़ेगा फिर कभी ना कभी तो बस शनि के गोचर में ना करें शुक्र के गोचर में करें छोटा होता है ज्यादा बड़ा चाहिए तो गुरु के गोचर में करें शनि के गोचर को अवॉइड करें यहां तक होता है हमारा अब शनि और केतु भी क्लोज राइट तो आज हमने काफी सारे कर लिए और बाकी जो रह गए हम आगे करेंगे आई थिंक नाउ वी स्टॉप इट Thank mm -hmm. you.